क्लास टेंथ के बच्चों को पढ़ाने चल रहे हैं वास्तु सर्जन क्रिया का प्रदर्शन। एक कांच की प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर एक गमले में लगा पौधा जिसे अच्छी तरह से सींचा गया था, उसमें पॉलीथीन लपेट करके यह पॉलीथीन लपेट करके पौधे को कांच की प्लेट के ऊपर रख देते हैं। पॉलीथीन इसलिए लपेटते हैं क्योंकि गमले से जल का वाष्पन होने लगेगा, अच्छी तरह से गमला सूखा हुआ है तो अगर इसमें हम पॉलीथीन नहीं मानते तो यहाँ से जल का वाष्पन होने लगेगा। और एक कांच की प्लेट लिया, उसमें एक गमले में लगा पौधा जिसे हरी भांति सींचा गया था, पाली गमले को पॉलीथीन से बंद करके कांच की प्लेट के ऊपर इस पौधे को गमले सहित रख दिया जाता है, छोटा पौधा लेते हैं। इसके ऊपर एक बेलजार उल्टा करके रख देते हैं और वायुविध बनाने के लिए यहाँ पे जहाँ बेलजार कांच की प्लेट पर रखा हुआ था वहाँ वैसलीन लगा दिया। पूरे उपकरण को 4 से 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है। कुछ घंटों बाद हम ये देखते हैं कि जल का वाष्पन जो हुआ, तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कुछ घंटों के बाद कि बेलजार के ऊपर अंदर की तरफ जल की बूंदें लटकी हुई दिखाई देती हैं। या किसके कारण संभव है? वाष्पोत्सर्जन के कारण ऐसा हुआ। अगर हमें और नियंत्रक उपकरण लें और उसमें पौधे को न रखे बाकी सारा सिस्टम एडॉप्ट करें तो हम ये पाते हैं कि बेलजार के ऊपरी सतह पर जल की बूंदें नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध होता है कि वाष्प ये जो जल की बूंदें बेलजार में एकत्र हुई ये किसके कारण हुआ? वाष्पोत्सर्जन के कारण हुआ। अब आइए चलते हैं पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों या पौधों के हरे भागों में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक फ्लोएम द्वारा परिवहन को भोज्य
पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। यानी पत्तियां हरी होती हैं या कोमल तने हैं पौधा, तो उसके तने हरे होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पत्तियों या पौधों के हरे भागों में भोज्य पदार्थ बनता है उसे पौधों के विभिन्न भागों तक फ्लोएम द्वारा परिवहन को भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। फ्लोएम की संरचना, फ्लोएम की जब संरचना हम देखते हैं ऊतक में चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर एक चालनी नलिकाएं व चालनी प्लेट। नंबर दो सखिया सहचर कोशिकाएं। तीसरा ये सब जीवित होती हैं, चालनी नलिकाएं भी जीवित होती हैं, सखुआ साचा कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। फ्लोएम मृदु तक ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं ये जीवित होती हैं। चार है फ्लोएम तंतु ये मृत होते हैं। यहां पर यह भाग जो है यह है चालनी
नलिकाएं जिनसे चाली नलिकाओं से होकर के ही भोजन ये पूरा सतत कालम बना रहता है। चाली नलिकाओं से होकर के भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। जगह जगह पर ये छिद्र होता है जहाँ भोज्य पदार्थों को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, उनमें अन्य हानिकारक पदार्थों को हटाया जाता है, तो इसे कहते हैं चांदनी प्लेट। ये होता है, ये भी भोजन अवशोषण भोज्य पदार्थों के परिवहन में चांदनी नलिकाओं की सहायता करते हैं, इसे कहते हैं सखिया सहचर्य कोशिका। और ये होता है फ्लोयम मृदुता। फ्लोयम तंतु जो होते हैं ये सहारा और मजबूती देने के लिए होते हैं, क्योंकि ये द्रोतक के बने होते हैं। चालनी नलिकाओं से होकर भोजन चालनी पेट से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता रहता है, और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा फ्लोयम मृदुतक में उपस्थित संचित भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। जब पतझड़ का समय आता है, पत्तियां सब गिर जाती हैं, तो चालनी पेट पर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट कैलस का जमाव हो जाता है, और कैलस के जमाव से जो भी भोजन जहाँ रहेगा वहाँ रुक जाता है, और जब तक नई पत्तियाँ नहीं बन जाती हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगे, तब तक इस भोज्य पदार्थों से पौधे अपने जैविक क्रियाओं को पूर्ण करते रहते हैं। जैसे ही पौधों में पत्तियां निकल आती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगती है, भोज्य पदार्थ का निर्माण होने लगता है, तो फिर जब फ्लोयम भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, तो यहाँ पर चालनी पेट पर दबाव पड़ता है, और उच्च दबाव के कारण जो है कैलस जो है ये क्या करता है, अभी तक अघुलनशील था, अब कैलस क्या हो गया, घुलनशील हो गया। और जब ये घुलनशील हो गया तो फिर इससे होकर के भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं फ्लोयम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का प्रदर्शन। फ्लोयम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का प्रदर्शन। एक अगर ये वृक्ष का तना, हमने क्या किया, वृक्ष के तने से छाल को काट करके अलग कर दिया, यानी यहाँ पर फ्लोयम अर्थात छाल को वलयाकार स्थित में चारों ओर से चाकू से काट कर अलग कर। यानी इधर जड़ भी है,
ऊपर पौधों की पत्तियां भी मौजूद हैं। फ्लोयम छाल को वलयाकार यानी चारों तरफ से चाकू से काट करके छाल को हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। हम कुछ दिन के बाद देखते हैं यहाँ ऊपर जाइलम द्वारा, ये जाइलम है यहाँ पर, जाइलम द्वारा जल पहुँच रहा है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले रहा है, पराली इसके अंदर खुद मौजूद है पत्तियों में। तो जब भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है तो ये भोज्य पदार्थ आते हैं, तो ये जब भोज्य पदार्थ आए तो हम देखते हैं कि जहाँ जो भाग कटा हुआ था वह भाग भोजन एकत्रित करके फूल आता है। ये भाग यानी ये क्या हुआ कि भोजन एकत्र करके तना क्या हो गया, फूल गया। अब नीचे ये जाइलम है, नीचे भोज्य पदार्थ नहीं जा पा रहा है, तो जो नीचे का भाग होता है या भाग ये जो है भोजन के अभाव में सूखने लगता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ नहीं गया नीचे, और यहाँ जो तने का फूला हुआ भाग था तो तने के फूले हुए भाग से ये अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अगर इस तने को यहाँ से काट करके इस तने को कहीं अलग रूपित कर दिया जाए तो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये फ्लोयम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का प्रदर्शन रहा। पदार्थों के स्थानांतरण की मुंज परिकल्पना, मुंज नामक वैज्ञानिक ने भोज्य पदार्थों का कैसे स्थानांतरण होता है, भोज्य पदार्थों के मुंज परिकल्पना का प्रदर्शन, मुंज ने जो परिकल्पना अपनी बताया कि कैसे भोज्य पदार्थों का फ्लोयम द्वारा स्थानांतरण होता है, तो उन्होंने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करके बताया कि कैसे भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचते हैं। इन्होंने कांच के बीकर लिया, कांच का बीकर लिया, ऐसा बीकर जो दोनों तरफ से आपस में जुड़े हुए थे, परासरण
तरसी बनाया था। क्या बनाया था? ये है पराशरण तरसी बी और ये है पराशरण तरसी ए। इसके बनाने के लिए क्या किया? दो अंडे लिए, दोनों अंडे को लेकर अंडे में एक सुराख कर दिया, अंडे के अंदर जो लिक्विड था उसे निकाल कर बाहर कर दिया गया और अंडे के खोखले भाग को एक प्लेट में अम्ल लेकर के जब उसमें सांद्र अम्ल लेकर के जब उसमें रखा गया तो हम देखते हैं कि अंडे की सफेदी उसमें घुल जाती है और एक झिल्ली दिखाई देती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इन दोनों झिल्लियों को लिया ये क्या थे? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों को आपस में एक यू आकार के कांच की नली द्वारा जोड़ दिया। एक यू आकार की सी नली द्वारा इसे जोड़ दिया गया और यहाँ पर जो दोनों बीकर को आपस में जोड़ रहा है वो नली सी जी। यहाँ पर यहाँ पर जो है भरा जा रहा है ये पराशरण तरसी ए में है शर्करा ये कीट है। कीट द्वारा शर्करा विलयन भर दिया गया और जबकि बीकर में जल। और यहाँ पे भी है जल, यानी अब जब मुंच में बताया तो पराशरण दर्शी लेते हैं ए और बी जो दोनों बीकर आपस में एक कांच की नली द्वारा जुड़े रहते हैं। जो अर्ध पारगम्य झिल्ली अंडे का बनाया था वह उनको दोनों को आपस में एक यू आकार की कांच की नली सी से जोड़ दिया गया। पराशरण दर्शी ए में अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर शर्करा विलयन भर दिया गया। शर्करा विलयन के कारण यहाँ पर अधिक सांद्रता हो गई तो जल के अंग इसके अंदर प्रवेश करने लगे।
परासरण टीका, क्योंकि जल के कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, इसे परासरण कहते हैं। लेकिन परासरण के लिए अर्धपारगम्य जली का होना आवश्यक है। अरे यहाँ से ये जल घर भी पहुंच रहा है, तो ये बता रहा है कि हम यह शर्करा विलयन जल के साथ कांच की नली से पहुंच करके आ रहा है कहां, परासरण दर्शी बी में। अगर परासरण दर्शी बी से हम शर्करा को हटाते हैं और परासरण दर्शी ए में शर्करा के विलयन की कमी ना होने पाए, तो हम ये पाते हैं कि यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अब मुझ क्या समझा रहे हैं, परासरण दर्शी ए को ये मानते हैं क्या कि पत्ती जहाँ भोजन की सांद्रता अधिक, परासरणदर्शी वह स्थान जहाँ भोज पदार्थों की सांद्रता कम है, और सी जो है यह चालनी नलिकाओं का काम करता है, और डी जो कांच की नली है यह जाइलम की तरह कार्य करता है। अब कैसे देखिए समझिए, मुंश ने कहा कि यहाँ पर शर्करा विलयन की सांद्रता अधिक है, अर्थात ये पत्ती है, यहाँ भोज पदार्थों का निर्माण हो रहा है, और जब भोज पदार्थों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर भोज पदार्थों की सांद्रता बढ़ गई, और जब भोज पदार्थों की सांद्रता बढ़ गई तो बीकर में जो जल था वो परासरण के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शर्करा विलयन में जाने लगते हैं। अब जब शर्करा विलयन में पहुंचे तो आप जल और शर्करा विलयन ये जो है कांच की जो सी आकार की यू आकार की नली थी इसके द्वारा ये जो है परासरण दर्शी बी में पहुंचने लगता है। परासरण दर्शी बी वह स्थान है जहाँ भोज पदार्थों की सांद्रता कम है, या तो भोज पदार्थ उपयोग में ला दिए गए या तो भोज पदार्थ जो है संचित कर लिए गए। अब अगर कह रहा है कि निरंतर पत्ती भोजन बनाती रहे, यानी यहाँ पे शर्करा की कमी ना होने पाए, और यहाँ पे परासरणदर्शी बी से शर्करा को हटाते रहे, इसका मतलब कि शर्करा का उपयोग हो रहा है पौधों द्वारा या संचित किया जा रहा है, तो यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, और यह सर्वमान्य परिकल्पना है। याद रखिए, पौधे, ध्यान दीजिएगा, पौधे भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में करते हैं। पौधे भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं, ग्लूकोज के रूप में। भोज पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में भोज पदार्थों का स्थानांतरण
सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा होता है। पौधे भोज्य पदार्थों का संग्रह मंड प्रोटीन वसा के रूप में करते हैं। मंड जटिल कार्बोहाइड्रेट है और सुक्रोज तथा ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट है। सरल कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होता है, स्वाद में मीठे होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट स्वादहीन होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। तो याद रखना, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और इस भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान को फ्लोएम तक द्वारा पौधे किस रूप में भेजते हैं? सुक्रोज के रूप में। और जो पौधे भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं तो वो मंड प्रोटीन व वसा के रूप में। ठीक, आज बस इतना ही। धन्यवाद।